हेलो दोस्तों, तो देखते हैं लखनऊ का जो है वो पीस क्या कह रहा है, किस तरीके से जो है इस पर मैसेज हो सकते हैं और कैसा सीनरी जो हमें देखने को मिल सकता है। तो हम लोग डिटेल्स एनालिसिस जो इसका करेंगे और देखेंगे कैसा ये पीस रिपोर्ट जो हमें बता रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो ये पीस जो है वो ओपन हुआ था 2017 में और कैपेसिटी जो है वो 50,000 के आसपास है और इसे हम लोग एकलाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जानते हैं जो कि है लखनऊ में। और ये लखनऊ सुपर जायंट्स का क्या है, तो ये है होम ग्राउंड और यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा कि सब कुछ जो है वो है, फ्लड लाइट्स भी है और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैसेज होता है। रिसेंट में यहाँ पे बहुत सारे मैसेज जो है आपने देखे होंगे, तो उनमें हम एक एक करके एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कैसा मैसेज जो है यहाँ पे हो सकता है। तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे IPL के टोटल 7 मैसेज होने हैं, तो इस रिपोर्ट जो है पूरा देखना और तभी जो है आपको इसके बारे में पूरा आइडिया लग पाएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो चाहते कि विनर सेशन इवनिंग में बहुत इसी तरह प्रॉफिट उठा सको, जबकि आज भी पहले मैच में बहुत सारे लोगों ने जो प्रॉफिट उठाया है, तो ये जो व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आप जुड़ सकते हो, साथ में आप टेलीग्राम पे जुड़ना बिल्कुल भूलना क्योंकि यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि एकलाना स्टेडियम की, अगर हम लोग बात करते हैं पीछे ग्राउंड, आप देखो तो ये जो है ना बैटिंग के लिए काफ़ी फेवरेबल ग्राउंड है। लेकिन बैटिंग के लिए फेवरेबल ग्राउंड होने के साथ साथ आपको ये भी चीज़ देखना होगा कि यहाँ पे जो बैटिंग होता है ना वो शुरुआत में बहुत ही परफेक्टली तरीके से बैटिंग होता है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे बैटिंग होते जाता है तो हमें ये देखने को मिलता है कि मैच पीछे जो है वो स्लो होते जाता है। और ये ग्राउंड ऐसा है कि परफेक्टली यहाँ पे 180 के आसपास रन जो है बनाया जा सकता है। और लास्ट 6 मैचों की अगर हम लोग इंटरनेशनल मैचेस की बात करते हैं तो आप देखोगे तो यहाँ पे एवरेज स्कोर जो है वो 160 के आसपास है, और उसके अलावा जिसमें से 5 मैचेज जो है वो डिफेंड हुए हैं लास्ट 6 मैचों में से। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जो भी मैसेज होता है एक बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही क्रूशियल लेवल का जो है मैसेज होता है, जहाँ पे शुरुआत में बहुत ज़्यादा रन बनता है और धीरे धीरे जो है वो रन डिक्रीज होते हुए चला जाता है। तो आप देखो यहाँ पे बात करते हैं तो बैट्समैन आपको किस तरीके का जो है वो चलेगा, जो कि पहले इनिंग में बैटिंग करेगा बहुत ही इस तरीके से परफॉर्म करेगा। बॉलर, तो बॉलर जो है जो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगा वो जो है आपके लिए काफ़ी इंपैक्टफुल बॉलर हो सकता है, क्योंकि सेकेंड इनिंग में यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकेट गिरता है और मैचेस जैसे स्लो होता जाता है, पिच जैसे स्लो होता जाता है, वैसा ही हमने देखा है यहाँ पे कि विकेट भी जो है काफ़ी इंपैक्टफुल डालता है, चाहे वो फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो, मीडियम फास्ट बॉलर हो, वो काफ़ी इंपैक्टफुल यहाँ पे होता है। डेथ ओवर में सेकेंड इनिंग के और ज़्यादा जो है क्रूशियल बॉलर जो है हो जाते हैं। और इसके अलावा आपको देखने मिलता है कि यहाँ पे जो स्पिनर्स होते हैं उनका काफ़ी अच्छा रोल जो है वो होता है इस ग्राउंड पे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे लेके चलना है, जो सारी चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस कर लिया। अब हम इसके बारे में जो है ग्राउंड के बारे में देखते हैं कि ग्राउंड की अगर बात करते हैं तो इस ग्राउंड की अगर हम बात करते हैं तो आप देखोगे लास्ट जो 6 मैचेज हुआ उसमें से 5 जो है वो फर्स्ट बैट जीता है यानी कि डिफेंड हुआ है, और एक मैचेज जो है यहाँ पे क्या हुआ है, चेस हुआ है। टाई जो है कोई भी मैचेज नहीं हुआ है, और ये जो है T20 इंटरनेशनल मैचेज का है क्योंकि डोमेस्टिक मैचेज यहाँ पे पहली बार जो है वो होगा IPL का। और आपको पता है कि पिछले साल लखनऊ की जो टीम थी वो जो है वो अपने ग्राउंड पर खेल नहीं, क्योंकि कोई भी टीम अपने ग्राउंड पर नहीं खेली क्योंकि कोरोना की वजह से। और एवरेज बेस्ट देखोगे यहाँ पे तो 160 है, और हाईएस्ट देखोगे तो 199 है जो कि इंडिया ने बनाया था, और लोएस्ट देखोगे तो आपको न्यूजीलैंड का जो है वो 99 रन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो रन है वो ऐसा सीनरी रहता है कि शुरुआत में बहुत अच्छे रन बनते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे पीछे स्लो जाता है तो यहाँ पे रन बनाना उतना ही जो है मुश्किल होते हुए चला जाता है। तो इस चीज़ का जो है आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं T20 में स्कोरिंग पैटर्न का, तो आप देखोगे 150 से नीचे 2 स्कोर है, 150 से 70 के बीच में आप देखोगे तो 2 स्कोर है, और 170 से 90 के बीच में आप देखोगे तो आपको 0 स्कोर देखने को मिलेगा, और 190 से ऊपर से आपको यहाँ पे 2 स्कोर जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये स्कोरिंग पैटर्न आप देख सकते हो, ये आइदर 170 से नीचे रहता है, और जब 170 से ऊपर निकलता है तो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो है वो 190 से ऊपर रन जो है वो निकल जाता है। तो इस सिनेरियो को जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो रिसेंट मैचेज है उसको एनालिसिस कर लेते हैं। तो रिसेंट मैचेज में आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे जो लास्ट मैच हुआ था वो जनवरी में हुआ था, और वो था इंडिया और न्यूजीलैंड का सीरीज, जहाँ पे आप देखोगे तो न्यूजीलैंड जो है वो कितना बना पाया, तो 99 बना पाया जो कि लोएस्ट स्कोर है, और इंडिया जो है उसे जितने में भी 99 रन को जो है वो 4 विकेट को गंवाना पड़ा था। आप सोच सकते हो कि इससे पीछे जो है वो कितनी खतरनाक जो है उस टाइम पे चल रही थी, क्योंकि उस टाइम पे हल्का हल्का बारिश भी हो रहा था, मौसम जो है काफ़ी आप कह सकते हो कि गीला वाला जो है मौसम था, तो ड्यू भी उतना नहीं आ रहा था, और जो वेदर था वो थोड़ा सा जो है वो एक अलग तरीके से आपको देखने को मिल रहा था, और ये आप मैसेज कह सकते हो कि एक तरीके से थोड़ा सा जो है ओवर भी इसमें कट किए गए थे। अब यहाँ के देखोगे इसके पहले इंडिया और श्रीलंका का, तो उसमें इंडिया ने जो है 199 रन बनाया था, और श्रीलंका जो है यहाँ पे जो 137 रन जो है बना पाया, और इंडिया जो है 62 रन से जो है जीत पाया था। आप देखोगे फर्स्ट इनिंग में जो है वो 2 विकेट गिरा था ये प्रॉपर मैसेज में, और सेकेंड इनिंग में जो है वो 6 विकेट जो है गिरा था। तो जब भी आप यहाँ पे टीमें लोगे तो आप प्रीफर करोगे कि ज़्यादा जो है विकेट आप यहाँ पे जो है वो फर्स्ट इनिंग में जो है बॉलर्स को ज़्यादा ना पिक करो, सेकेंड इनिंग के जो बॉलर हैं उनको आप थोड़ा सा ज़्यादा पिक कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग एक दो मैसेज और एनालिसिस करते हैं और देखते हैं किस तरीके से जो है सिनेरियो रहा था।
तो उससे पहले 2022-23 से पहले जो है यहाँ पे कोई मैसेज जो है 2019 में हुआ था, 2019 में अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज़ यहाँ पे मैसेज हुआ था, तो उसमें देखोगे वेस्ट अफगानिस्तान का जो है 156 रन बना दिया था जो है यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, जो कि अफगानिस्तान के हिसाब से 2019 के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो 156 रन जो है बना दिया था, जहाँ देखोगे तो ये 8 विकेट के नुकसान पे, और वेस्ट इंडीज़ जो है वो 137 रन बना पाया, 127 रन बना पाया यहाँ पे 7 विकेट के नुकसान पे, और अफगानिस्तान जो है 29 रन से जीत गया। तो आप सोच सकते हो कि पीछे जो है यहाँ पे किस तरीके से आपको इम्पैक्ट जो है डालती है। इसके पहले फिर से जो है ये सीरीज़ जो था यहाँ पे अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच हुआ था 16 नवंबर 2019 को, तो इसमें सॉरी ये भी जो था वेस्ट इंडीज़ का था, तो इसमें देखोगे तो अफगानिस्तान जो 147 बना पाया और वेस्ट इंडीज़ जो है यहाँ पे सेकेंड इनिंग में जो है वो बहुत ही कम बना पाया, 106 रन जो है बना पाया। तो यहाँ पे जो रन है ना वो सेकेंड इनिंग में बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर कोई टीम यहाँ पे चेस करके जो है जीतती है तो आप ये कह सकते हो कि वो जो है काफ़ी इम्पैक्टफुल टीम है और काफ़ी जो है वो पावरफुल टीम है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो चेस करके जीतना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इस ग्राउंड पे जो मैचेस शेड्यूल है वो देखते हैं, टोटल 7 मैचेस जो आपको शेड्यूल हैं, और एक तरफ आपको जो है वो कौन देखने को मिलेगा, लखनऊ सुपर जायंट्स, और दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि पहला मैच जो है वो दिल्ली से होने वाला है, उसके बाद आप देखोगे तो सनराइजर हैदराबाद का मैचेस है जो कि 10वां मैच है, उसके बाद पंजाब से है जो कि 21st मैच है, उसके बाद गुजरात से है जो कि 30th मैच है, आरसीबी से है जो कि 43, और उसके बाद सीएसके से है जो कि 46, और मुंबई से जो है वो लास्ट मैच है यहाँ पे जो कि देखने को मिलेगा 63 मैच। तो ये जो है आपको देखने को मिल जाएगा, और टाइमिंग जो है ये रहेगा, तो जो रात वाला मैसेज है उसमें थोड़ा बहुत ड्यू का मदद मिल सकता है, लेकिन जो ये दिन वाले मैसेज हैं इनमें जो है ड्यू बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो इस चीज़ का जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और उसी के हिसाब से ये पीस पे जो है वो आपको इस्तेमाल करना है। अब अभी तक जो है आप वीडियो में बने हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको मिलते रहेगा, और साथ में अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो चाहते कि विनर सेशन इंडिया में बहुत इस तरह से प्रॉफिट उठा सको, तो ये जो है व्हाट्सएप का नंबर है जहाँ आपको जुड़ जाना है, साथ में जुड़ सकते हो। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।